Hello Fox, how are you? Hope you are doing great. And you are going to love this video, Fox. So please like, subscribe and share this video. Fox, पिछले वीडियो में हमने Newton's second law of motion को देखा था. Newton's second law of motion के डिटेल को हमने देखा था. And in fact, Newton's second law of motion ही real law है. और इसी law में first law of motion और Newton's third law of motion contained. Fine, Fox. So in this video, we are going to explore Newton's second law of motion and we will be obtaining Newton's first law of motion, Newton's third law of motion and law of conservation of momentum. Fine, Fox. तो हमने Newton's second law of motion में friends क्या पढ़ा था? That net force on a system equals to mass times net acceleration. This was from the second law. This was from Newton's second law of motion. Newton's second law of motion का कहना था कि कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम पर जो नेट फोर्स लग रहा है that is equal to mass times its acceleration. Is that clear, folks? This was my Newton's second law of motion. अब इसी Newton's second law of motion को folks हम explore करते हैं और इसी Newton's second law of motion से हम first law of motion को obtain करते हैं. This was my Newton's second law of motion. Now, what will be if I will say that if net force on a system, if net force on a system is zero, अगर किसी system पर net force zero है, then what is my net acceleration? What is my net acceleration, Fox? My net acceleration will be zero. So this is the first law. This is the first law of motion. Newton's फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, अगर किसी सिस्टम पर वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस जीरो है, दिस इज अ नेट फोर्स, दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, और यू कैन से दिस इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस. अगर किसी सिस्टम पर वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस जीरो है तो वो सिस्टम अनएक्सीलरेटेड है, उसकी एक्सीलरेशन जीरो है. इज दैट क्लियर, फॉक्स? तो अगर नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन द बॉडी इज अनएक्सीलरेटेड. बॉडी में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, बॉडी की एक्सीलरेशन जीरो है. ए इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स बॉडी इज अनएक्सीलरेटेड. इससे आप दो बातें समझते हो, फॉक्स. अगर कोई बॉडी अनएक्सीलरेटेड है तो या तो वो बॉडी रेस्ट में है या तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स. अगर कोई बॉडी अनएक्सीलरेटेड है तो वो बॉडी रेस्ट में है, फॉक्स, या तो फिर उस बॉडी का वेलोसिटी में कोई सा भी चेंज नहीं हो रहा है. इज दैट क्लियर? सो अगर बॉडी की एक्सीलरेशन जीरो है तो या तो वो बॉडी रेस्ट में है या तो वो बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. सो दिस इज माई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. If the vector sum of the forces on a system is zero, the system is unaccelerated. सिस्टम में कोई भी एक्सीलरेशन, फॉक्स, नहीं है. अगर सिस्टम पर वेक्टर सम फोर्स का जीरो है, इफ द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इज जीरो, दैट सिस्टम इज अनएक्सीलरेटेड. दिस इज माय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आप टेक्स्ट बुक में देखते हो कि अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी या फिर तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो. दिस वॉज माई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इज दैट क्लियर, फॉक्स? सो देर आर टू क्वेश्चंस. मैं दो क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं. पहला क्वेश्चन, सपोज देर इज अ कार एंड दैट कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कार? एक कार है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मूव कर रही है, उस कार पर नेट फोर्स क्या है, फॉक्स? जी हाँ, उस कार पर नेट फोर्स जीरो है क्योंकि वो कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसमें एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, उसमें वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं हो रहा है.
दैट्स व्हाई कार पर नेट फोर्स जीरो है. इज दैट क्लियर फॉक्स? अगर कोई कार रेस्ट में है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दैट कार? डेफिनेटली नेट फोर्स ऑन दैट कार इज जीरो बिकॉज दैट कार इज एट रेस्ट, दैट कार इज अनएक्सिलरेटेड, दैट्स व्हाई द नेट फोर्स ऑन दैट कार इज जीरो. इज दैट क्लियर? सो दिस इज माई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स एक्सप्लोर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मोर एंड मोर. अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को और भी एक्सप्लोर करते हैं फॉक्स. एक मैथमेटिकल इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड हमारे पास है. फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इज दैट क्लियर फॉक्स? नाउ what will be there if I will tell you that the if net external force is zero, if this force is zero, then what is the change in momentum? My change in momentum is zero. Is that clear, folks? अगर कोई system है उस पर external force zero है, अगर कोई system है उस पर external force zero है, तो उसके momentum में कोई सा भी change नहीं आ रहा है. Is that clear? This is the law of conservation of linear momentum. This is the conservation of momentum. Conservation of momentum. Is that clear, folks? अगर किसी system पर external force नहीं है, अगर किसी system पर net external force zero है, तो उसके momentum में कोई सा भी change नहीं आ रहा. उसका चेंज इन मोमेंटम जीरो है. दैट मीन्स आई कैन से दैट उस सिस्टम की जो इनिशियल मोमेंटम होगी, पी आई रिप्रेजेंट्स इनिशियल मोमेंटम, उस सिस्टम की जो इनिशियल मोमेंटम होगी, दैट मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम. इज दैट क्लियर फॉक्स? अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो है. मोमेंटम मेरा कंजर्व्ड है. इनिशियल मोमेंटम उस सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम उस सिस्टम का दोनों बराबर है. फॉक्स आप पॉज करके इसको आप लिख लो. फॉक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स को हम टेकल कैसे करेंगे वो हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे. फाइन, कि हाउ टू टेकल द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. हम लोग न्यूमेरिकल्स एक ही देखेंगे इसमें, और इनफैक्ट हम अप्रोच देखेंगे कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम कैसे टैकल करें. दैट इज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की सेपरेट वीडियो अवेलेबल होगी फॉक्स. आप उस सेपरेट वीडियो को जरूर रेफर करना. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. हम अप्रोच सीखेंगे कि हम किस क्या अप्रोच लगाएं कि हम इस प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ट को टैकल करें. फाइन फॉक्स, सो लेट्स सी. सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. फाइन फॉक्स, सो लेट्स से कि ये एक बॉडी है. फाइन, ये 1 kg की बॉडी है और इसकी वेलोसिटी 1 m/s है और वो राइट की ओर जा रही है, वो फॉरवर्ड जा रही है. और दूसरी बॉडी 2 kg की है जिस बॉडी की वेलोसिटी 0.5 m/s है और वो भी राइट की ओर जा रही है. फिर क्या होगा फॉक्स कि ये बॉडी इस बॉडी को टक्कर मारेगा. टेक्निकली अगर बोलो तो इन दोनों बॉडी के बीच में कॉलिजन होगा. इज दैट क्लियर? इन दोनों बॉडी के बीच में कॉलिजन होगा. और कॉलिजन के बाद, आफ्टर कॉलिजन, मैं यहां पर लिखता हूं आफ्टर कॉलिजन 1 kg की जो वेलोसिटी है, 1 kg की जो वेलोसिटी है वो राइट की ओर ही 0.5 m/s हो जाती है. इज दैट क्लियर? आफ्टर द कॉलिजन, टक्कर के बाद, कॉलिजन के बाद. और 2 kg की जो बॉडी है उसके वेलोसिटी को मेरे को निकालना है. वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 kg ऑफ दिस बॉडी. वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी.
ये इनिशियल वेलोसिटी था बॉडीज का, ऑब्जेक्ट्स का ये इनिशियल वेलोसिटी था, और कॉलिजन के बाद एक केजी बॉडी की वेलोसिटी हाफ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और 2 kg बॉडी की वेलोसिटी किधर होगी, किस डायरेक्शन में होगी, उस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड, इज दैट क्लियर फॉक्स? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स से और लेट्स कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 bodies. मैंने एक सिस्टम माना और उस सिस्टम के अंतर्गत 2 bodies हैं, 1 kg की बॉडी और 2 kg की बॉडी, यानी मैंने 1 kg और 2 kg बॉडी को एक सिस्टम माना, फॉक्स इज दैट क्लियर? मैंने 1 kg और 2 kg बॉडी को एक सिस्टम माना, एक सिस्टम है, और उसी सिस्टम में 1 kg और 2 kg बॉडी अवेलेबल है, इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ऑब्वियसली इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स मेरा 0 लग रहा है। अगर टक्कर भी होती है तो ये 2 bodies एक दूसरे पर फोर्स लगाएगी टक्कर के समय, बट दीज फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस, वो फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन के पेयर होंगे और वो इंटरनल फोर्सेस होंगे, दैट्स व्हाई इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, यानी इस सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होगा, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है इस सिस्टम पर, दैट मीन्स इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा फॉक्स वही इसकी फाइनल मोमेंटम होगी, इज दैट क्लियर? मैंने 1 kg और 2 kg को एक सिस्टम माना और उस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स मेरा 0 है, हाँ जब टक्कर होगी तो फोर्सेस एक दूसरे अप्लाई करेंगे, एक दूसरा जो बॉडीज है एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगी, बट ये फोर्सेस इंटरनल होंगी, ये एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होंगी, एक्शन रिएक्शन पे और इंटरनल फोर्सेस होंगी, इज दैट क्लियर? तो इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। वन मोर थिंग फॉक्स, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द डायरेक्शन हियर, तो हम डायरेक्शन को जरूर इंक्लूड करेंगे, फाइन, और हम पहले ही वेलोसिटी को एक डायरेक्शन दे देंगे, एंड लेट्स यूज द ट्रेडिशनल साइन कन्वेंशन, मैंने राइट के तरफ को पॉजिटिव डायरेक्शन माना और लेफ्ट के तरफ को नेगेटिव माना, मैंने फॉरवर्ड को पॉजिटिव माना और बैकवर्ड को नेगेटिव माना, इज दैट क्लियर? राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। नाउ लेट मी राइट द इनिशियल मोमेंटम, व्हाट इज माय इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इस बॉडी का मोमेंटम प्लस इस बॉडी का मोमेंटम, एम आई राइट फॉक्स? इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इस बॉडी की इनिशियल मोमेंटम और इस बॉडी की इनिशियल मोमेंटम। सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, मास इनटू वेलोसिटी इनटू प्लस 1, वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट है, इज दैट क्लियर? प्लस 2 इंटू हाफ, प्लस हाफ वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, इज दैट क्लियर? सो व्हाट विल बी दिस वन, दिस इज 2, मेरा इनिशियल मोमेंटम 2 है फॉक्स, एंड व्हाट इज माय फाइनल मोमेंटम, व्हाट इज माय फाइनल मोमेंटम हियर, इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या है आफ्टर द कॉलिजन? अगर मैं 1 kg बॉडी की बात करूं तो 1 kg बॉडी की मोमेंटम क्या है, 1 into इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव, इज दैट क्लियर फॉक्स? अब बात कर रहा हूं 2 kg वेलोसिटी की, मैंने एज्यूम किया, देयर इज एन एजम्पशन, मैंने एज्यूम किया कि इस 2 kg की भी जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कॉलिजन वो राइट डायरेक्शन में होगी, इज दैट क्लियर? मैंने एज्यूम किया, ये मेरा एजम्पशन है कि इस 2 kg की वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में होगी, सो प्लस 2b, इज दैट क्लियर? प्लस 2b। नाउ there is no net external force on this system, external force is system पर कुछ भी नहीं है, 0 है, that means मेरा जो initial momentum है और जो final momentum है that will be conserved, that will be equal, so from here we can write that if there is no net force 2 equals to half plus 2v, and from here we will get the value of v as 3 by 4 meter per second. This is the value of the velocity. This is the velocity of 2 kg block after the collision, or velocity right direction mein hai.
मेरी वैल्यू पॉजिटिव आई और मेरा एजम्पशन भी था कि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मेरी वैल्यू भी पॉजिटिव आई, दैट्स व्हाई मेरा एजम्पशन सही है फॉक्स, और ये जो बॉडी है 2 kg की जो बॉडी है वो राइट डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या किया कि मैंने एज्यूम कर लिया फॉक्स कि इसकी जो वेलोसिटी होगी 2 kg की आफ्टर कॉलिजन वो लेफ्ट के तरफ होगी। इज दैट क्लियर? राइट नाउ आई हैव एज्यूम दैट द वेलोसिटी ऑफ 2 kg आफ्टर द कॉलिजन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फिर फाइनल मोमेंटम क्या आएगा हमारा? इट विल बी 1 × 1/2, दैट इज हाफ माइनस 2b। इज दैट क्लियर फॉक्स? हाफ माइनस 2b एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू 1 − 4b/2। क्लियर है? अब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम मेरा कंजर्व रहेगा क्योंकि देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दैट मेरा इनिशियल मोमेंटम 2 था और फाइनल मोमेंटम 1 − 4b/2 है। क्लियर है फॉक्स? एंड फ्रॉम हियर आई कैन से 1 − 4b = 4 एंड फ्रॉम हियर माई −4b = −3। इज दैट क्लियर फॉक्स? −4b = −3 एंड फ्रॉम हियर v = 4 फॉक्स। तो I beg my pardon here, it will be −4b = 3, isn't it? −4b = 3 and from here I will get v = −3/4 m/s. मेरा assumption था फॉक्स की velocity की direction यानी 2 kg body की velocity की direction after the collision left है and I got negative value for that. So my assumption is wrong, मेरा assumption wrong है यहां पर, और जो वेलोसिटी होगी यानी जो वेलोसिटी होगी 2 kg बॉडी की वो टुवर्ड्स राइट के तरफ होगी, टुवर्ड्स राइट ही होगी एंड उसकी मैग्नीट्यूड 3/4 m/s होगा। मैंने एज्यूम किया था कि बॉडी लेफ्ट की ओर मूव कर रही है और मेरा रिजल्ट नेगेटिव में आया, दैट्स व्हाई मेरा एजम्पशन गलत है फॉक्स। So, जो वेलोसिटी होगी 2 kg बॉडी की वो टुवर्ड्स राइट होगा और इसकी मैग्नीट्यूड 3/4 m/s होगा। फॉक्स आप वीडियो को पॉज करो और आप नोट डाउन कर लो इसको। फॉक्स हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को और भी एक्सप्लोर करते हैं और इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लोर करते हैं। फाइन फॉक्स, तो एक्चुअली न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ना वही रियल लॉ है फॉक्स, वही मेन लॉ है और उसी सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को ऑब्टेन करते हैं और थर्ड लॉ को ऑब्टेन करते हैं और हमने आपको दिखाया भी फर्स्ट लॉ को ऑब्टेन करके। अब हम इसी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से थर्ड लॉ को ऑब्टेन करेंगे और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फॉक्स मेरे को एक रिजल्ट क्या मिली थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वी आर गोइंग टू यूज दैट वन। लेट्स से this is an object, this is a object and this one is b object। ये a object है और ये b object है। ये a object भी right की ओर जा रही है और b object भी right की ओर जा रही है। Let's say that की a object की जो velocity है वो b object से ज्यादा है, तो a और b में टक्कर होगी फॉक्स, technically a और b में collision होगा और collision जब होगा, fine फॉक्स, this is a एंड दिस इज बी, तो ए बी पर फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और बी भी ए पर फोर्स अप्लाई करेगा एंड दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इज दैट क्लियर? टक्कर होगी और टक्कर के समय ही जो ए है वो बी पर फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और जो B है वो A पर फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B। इज दैट क्लियर? एंड लेट्स से दैट कोलिजन टेक्स प्लेस फॉर डेल्टा t सेकेंड। कोलिजन टेक्स प्लेस फॉर
डेल्टा टी सेकेंड, मैंने कहा कि कॉलिजन डेल्टा टी सेकेंड के लिए हो रहा है, या फिर इन अदर वर्ड्स आप कह लो कि फोर्सेस एक्ट फॉर डेल्टा टी सेकेंड. इज दैट क्लियर फॉक्स? इज दैट क्लियर? तो कॉलिजन से पहले की कहानी, कॉलिजन से पहले की कहानी, अगर मैं ए ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ए ऑब्जेक्ट के पास एक मोमेंटम है, क्योंकि इसके पास मास है और इसके पास वेलोसिटी है, तो ए ऑब्जेक्ट के पास एक मोमेंटम है. कॉलिजन के पहले की कहानी में कह रहा हूं, कॉलिजन से पहले बी ऑब्जेक्ट के पास भी एक मोमेंटम है, क्योंकि बी ऑब्जेक्ट के पास मास है और वेलोसिटी है, दैट्स व्हाई देयर इज अ मोमेंटम फॉर बी ऑब्जेक्ट. कॉलिजन से पहले ए ऑब्जेक्ट का कुछ एक मोमेंटम है, कॉलिजन के बाद बी ऑब्जेक्ट का कुछ एक मोमेंटम है. इज दैट क्लियर? कॉलिजन से पहले ए ऑब्जेक्ट की कुछ मोमेंटम है, कॉलिजन से पहले बी ऑब्जेक्ट की कुछ मोमेंटम है. अब कॉलिजन होता है फॉक्स, फाइन, कॉलिजन होता है, और कॉलिजन के बाद आफ्टर कॉलिजन ए ऑब्जेक्ट का कुछ एक मोमेंटम है होगा और बी ऑब्जेक्ट का कुछ अलग मोमेंटम होगा. इज दैट क्लियर? कॉलिजन से पहले कुछ मोमेंटम ए ऑब्जेक्ट को है, कॉलिजन से पहले बी ऑब्जेक्ट को कुछ मोमेंटम है. अब जब कॉलिजन हुआ तो कॉलिजन के बाद ए ऑब्जेक्ट का कुछ मोमेंटम होगा और बी ऑब्जेक्ट का कुछ मोमेंटम होगा. इज दैट क्लियर? मैंने कहा कि चेंज इन मोमेंटम फॉर ए इन डेल्टा टी सेकेंड, इन डेल्टा टी सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम फॉर ए इन डेल्टा टी सेकेंड. मैंने कहा डेल्टा पी ए. इज दैट क्लियर? डेल्टा पी ए क्या है? फाइनल मोमेंटम ए का माइनस इनिशियल मोमेंटम ए का, दैट इज चेंज इन मोमेंटम. फिर मैंने कहा चेंज इन मोमेंटम फॉर बी इन डेल्टा टी सेकेंड, इन डेल्टा टी सेकेंड. मैंने कहा डेल्टा पी बी, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम फॉर बी. यानी कॉलिजन से पहले बी की कुछ मोमेंटम थी और कॉलिजन के बाद बी की कुछ मोमेंटम होगी, यानी फाइनल मोमेंटम बी का माइनस इनिशियल मोमेंटम बी का, दैट इज माई चेंज इन मोमेंटम. इज दैट क्लियर? फाइन फॉक्स. नाउ आई एम टेकिंग दिस एज अ सिस्टम, दिस होल एज अ सिस्टम. मैंने ए और बॉडी की एक सिस्टम मानी, मैंने एक सिस्टम माना और सिस्टम में ए और बी बॉडीज है. इज दैट क्लियर फॉक्स? नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ सिस्टम, और फिर मैं कहता हूं कि इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. इज दैट क्लियर? इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. मैंने ए और बी बॉडीज की एक सिस्टम मानी और मैंने कहा कि इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी उस सिस्टम के मोमेंटम में चेंज जीरो है. इज दैट क्लियर? उस सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व्ड है फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. फाइन फॉक्स. तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? अगर मैं डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी की बात करूं, दैट विल बी जीरो. मैंने ए और बी की एक सिस्टम मानी है और उस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इंटरनल फोर्स मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं. दैट्स व्हाई मैंने कहा कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर फॉक्स? नाउ फ्रॉम हियर आई विल गेट द वैल्यू एज डेल्टा पी ए इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी बी. इज दैट क्लियर फॉक्स? नाउ वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी. अब मैं कर रहा हूं कि दोनों तरफ मैंने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया. डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी बी बाय डेल्टा टी. इज दैट क्लियर फॉक्स? डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी बी बाय डेल्टा टी. व्हाट इज डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए. इज दैट क्लियर? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए. एंड व्हाट इज डेल्टा पी बी? This is the rate of change of momentum of B. This is the rate of change of momentum of A. And this one is rate of change of momentum of B. Is that clear, folks? So, what is this one? Is term ko main kya keh sakta hun, folks? This is the rate of change of momentum of A. So, rate of change of momentum of A ko main kya kehta hun?
This is nothing but the force on A due to B. And this is equal to negative force on B due to A. Is that clear? Rate of change of momentum kya hai folks? Wo to force hi hai na. Ye rate of change of momentum of A hai. So that is force on A due to B. Ye rate of change of momentum of B hai. That is force on B due to A. तो यहां से हम क्या इन्फर करते हैं? पहला इन्फर हम ये करते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकॉर्डिंग पेयर. इज दैट क्लियर? अब किसी को भी एक्शन कह लो, किसी को भी रिएक्शन कह लो, आप इसी को एक्शन कह लो, इसी को रिएक्शन कह लो, या आप इसी को एक्शन कह लो, इसी को रिएक्शन कह लो, देयर विल नॉट बी एनी इश्यू. तो सबसे पहला इन्फ्रेंस हमको क्या निकलता है थर्ड लॉ से, कि फोर्सेस अकर इन पेयर, दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर. इज दैट क्लियर फॉक्स? फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर. दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता, कि फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन. इज दैट क्लियर फॉक्स? थर्ड कंक्लूजन, थर्ड इंफ्रेंस हमको क्या दिखता है, कि फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पर ही लगती है. इज दैट क्लियर? पहले तो न्यूटन सेकेंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है फॉक्स, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर ए बी पर कुछ फोर्स अप्लाई करता है तो बी ए पर भी सेम फोर्स अप्लाई करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में. तो फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. फिर से, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इफ ए अप्लाइज अ फोर्स ऑन बी, देन बी अप्लाइज इक्वल फोर्स ऑन ए बट इन अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर है फॉक्स? तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. थर्ड कंक्लूजन, ये डिफरेंट बॉडीज पर लगती है, डिफरेंट बॉडीज पर ये फोर्सेस लगती है. डिफरेंट बॉडीज का मतलब क्या, बी ए पर फोर्स लगाता है और ए बी पर फोर्स लगाता है, ये दोनों डिफरेंट बॉडीज हैं. जैसे कि फॉक्स, डिफरेंट बॉडीज, मैंने एक फ्लोर पर एक ब्लॉक को रखा, फाइन. तो इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रही है, एक तो mg जो अर्थ लगा रही है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जो ये सरफेस लगा रहा है, और हम कहते हैं कि n इक्वल्स टू mg. क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर है नहीं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि ये सेम ही बॉडीज पर लग रही है. हां, n इक्वल टू mg है, मैग्नीट्यूड सेम है. इसका रीजन क्या है, कि ये ब्लॉक रेस्ट में है तो जो नीचे लगने वाली फोर्स होगी उतना ही फोर्स इस पर ऊपर लगेगी, दैट्स व्हाई एल इक्वल्स टू एमजी है. बट ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज पर नहीं लग रही है. तो फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? इस बॉडी पर अर्थ एमजी लगा रहा है और अर्थ पर भी ये बॉडी उल्टे डायरेक्शन में एमजी लगाएगा. दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है. जैसे क्या, इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस लगा रही है वो ऊपर की ओर लगा रही है. इज दैट क्लियर? इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस लगा रही है ऊपर की ओर लगा रही है, और ये बॉडी इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर लगाएगी. इज दैट क्लियर? तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, बिकॉज दीज आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, सो दीज आर माई एक्शन रिएक्शन पेयर. और चौथा कंक्लूजन क्या है फॉक्स, कि सेम नेचर, फोर्सेस शुड बी ऑफ सेम नेचर, फोर्सेस को का जो नेचर होगा वो सेम होगा. जैसे कि अगर मैं एमजी की बात कर रहा हूं, मैं ग्रेविटी फोर्स की बात कर रहा हूं, तो ये एमजी और एमजी सेम पेयर, ये सेम नेचर का फोर्स है, यानी ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. इज दैट क्लियर? सेम नेचर का फोर्स का मतलब,
अगर इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है तो ये बॉडी भी इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन ही लगाएगी. दिस इज द सेम नेचर. सेम नेचर का मतलब ये कॉन्टेक्ट फोर्स है और ये भी बॉडी इस पर कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगी. दैट इज द सेम नेचर. सेम नेचर का मतलब अगर मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूं तो इस बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है और ये बॉडी अर्थ पर भी ग्रेविटी की फोर्स लगाएगी. सेम नेचर. सेम नेचर की मैं बात करूं, दिस इज अ ब्लॉक और इस ब्लॉक पर सरफेस नॉर्मल रिएक्शन डालता है तो ये ब्लॉक भी सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन. दैट इज बोथ नॉर्मल रिएक्शन आउट ऑफ सेम नेचर. दोनों कॉन्टेक्ट फोर्स है. सेम नेचर का मतलब है कि अगर ए बी पर कॉन्टेक्ट फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पर कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा. दैट इज द सेम नेचर. इज दैट क्लियर? सो फॉक्स, होप थिंग्स आर गेटिंग क्लेरिफाइड. थिंग्स हैव बीन क्लेरिफाइड. थैंक यू वेरी मच.